हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक मेडिसिन का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नाम है एंट्रोजर्माइना। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, स्पेशली जो मॉम या फिर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को, स्पेशली जब उसको लूज मोशन होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर बच्चा, अगर इन्फेंट है, 6 महीने से छोटा बच्चा है या 1 साल से बड़ा बच्चा है, आप ये मेडिसिन आराम से दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये मेडिसिन आपको 5 ml देनी है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है फिर भी, और 6 महीने से बड़ा है फिर भी, 5 ml की क्वांटिटी जाएगी तभी उसको मसल असर करेगी। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और ये ओरल यूज़ है, तो ये आप डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, बच्चे को डायरेक्टली आपको देना है। सो हम इसकी पैसे वैसे सब मैं आपको बता दूंगी कि कितने का है, ये अगर मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। सो ये देख सकते हैं, इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो भी देख लीजिए। इसमें मिनी बॉटल कंटेन है और इसमें 10 बॉटल्स अंदर आपको मिल जाएगी, 5 ml की बॉटल्स। और हाउ टू यूज़, स्पेशली इसको शेक करना है, देन ट्विस्ट एंड ब्रेक, देन ड्रिंक। फॉर ओरल यूज़ ओनली, डू नॉट इंजेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब इंजेक्शन के थ्रू नहीं देना है, और हो सके तो आप इस मेडिसिन को फ्रिज में ही स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखा है इसमें डू नॉट फ्रीज़र के अंदर मत डालिए, फ्रिज में डालिए। डू नॉट मतलब अगर आपका जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मतलब बहुत ज़्यादा आप रखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से, तो बात अलग है। अगर नॉर्मल फ्रिज में जो सामान होते हैं आप उसके साथ इस मेडिसिन को रखिए, बाहर मत रखिए या फिर डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू मत रखिए। लेकिन आप फ्रीज़र के अंदर मत डालिए, फ्रिज में डाल सकते हैं आप। और जो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी है, जो इसका मैक्सिमम प्राइस है 49.50 rupees है, और इसमें 10 बॉटल्स आएंगी। तो मेरी बेबी को अभी जो मेडिसिन यूज़ हो रही है उसके लूज मोशन में, वही मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो देख लेते हैं, ये जो पैकेट है इसमें इस तरीके का लीफलेट आता है, इसको मैं पढ़ के बता दूँगी। और इसके अंदर गिरी जो मेडिसिन है वो 10 आती हैं, तो अभी उसको यूज़ हो चुकी है 8। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको दिन में 2 बार एंट्रोजर्माइना देनी है फॉर द बेटर रिजल्ट। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक्सपायरी होगी, आई थिंक वो 21 की होगी एक्सपायरी इसकी, और 49.50 rupees एक का है, इट्स नॉट 10 पीस। 10 पीस का एक का तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, अदरवाइज एक पीस इसका ऑलमोस्ट 50 रुपये का पड़ेगा आपको। तो आप इसको दिन में 2 बार देना है आपको ये, और आपको क्या करना है, यहाँ से ट्विस्ट कर देना है, मैं वो भी करके आपको दिखा दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ ओपन नहीं करूँगी क्योंकि या फिर कर सकती हूँ ओपन थोड़ी देर, मुझे अपनी बेबी को पिलाना है, लेकिन करेंटली अभी नहीं पिलाना, तो फिर मैं अभी ओपन नहीं करके आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं बता दूँ कैसे ट्विस्ट करते हैं इसको। और ये रहा लीफलेट इसका, इसको देख लेते कि इसमें एक्चुअली दिया क्या है। एक मिनट, इसमें भी आई थिंक इसके यूजेस ही बताए गए हैं कि इसमें कंटेन क्या क्या है और एंट्रोजर्माइना एक्चुअली है क्या। ये प्रोबायोटिक है और यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इनडाइजेस्टिव बैक्टीरियल फ्लोरा ड्यू टू डाइवर्स कॉज, ठीक है। और इसके यूजेस बताए गए हैं, डोसेज बताए गए हैं, मैं डोसेज आपको बता देती हूँ। एडल्ट को देना है 2 to 3 mini bottles अ डे, चिल्ड्रन अगर है 1 to 2 mini अ डे, एंड इन्फेंट है तो 1 or 2 mini bottles अ डे। अब देख सकते हैं जो मैंने बताया है वैसे ही इसमें लीफलेट में दिया हुआ है। और मैं ये चीज़ कहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो मेरी बेबी को मेडिसिन यूज़ हो रही है मैं वो चीज़ आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके की कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भी आपका यही मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ और नहीं करेगा। देख सकते हैं, तो इसमें पैक ऑफ 10 आता है इस डब्बे में। और ये रहा ब्रेक अवे, इस तरीके से ब्रेक करना है, शेक वेल, ट्विस्ट कैप टू ओपन एंड देन ड्रिंक। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है, तो आपको यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करना है इसको, ऐसे करके ये अलग हो जाएगा, आपको दिख रहा है तो ये है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो आपको कैप दिख रहा है आपको इसको निकालना है, देख सकते हैं कि ट्विस्ट हो गया, अब ये ओपन हो चुका है। तो मैं अपने बेबी को पिलाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अब आपको ओपन करके दिखा दिया है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।